हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद फ्लो शीट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फ्लो शीट यानी कि जो भी हमारा प्रोसेस होगा, किस ट्रीटमेंट के बाद कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, वो पूरा हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपको दिखाएंगे। तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने वेस्ट वाटर का या सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट इज़ WTP। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फ्लो शीट हमने लिखा हुआ है, हम उस फ्लो शीट के बारे में देख लेते हैं कि वो फ्लो शीट का मतलब क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लो शीट या द प्रोसेस फ्लो शीट ऑफ फ्लो डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस इन विच वेरियस यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेसेस आर अडॉप्टेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर एट एनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यानी जो भी हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, जिस सीक्वेंस में हमने यूनिट ऑपरेशंस या यूनिट प्रोसेसेस को अडॉप्ट किया है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, वो सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोसेस फ्लो शीट या फ्लो डायग्राम। अब इसी फ्लो शीट को मैंने यहाँ पर डिटेल में ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम स्टेजेस की बात करेंगे, कितनी स्टेजेस होती हैं या कितने टाइप के हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे मैंने चार टाइप के लिखे हैं, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है उसके अंडर हमारे दो यूनिट ऑपरेशन या यूनिट्स आएंगे, स्क्रीन और ग्रिड चेंबर। यानी प्रिलिमिनरी में दो हमारे आएंगे, स्क्रीन और ग्रिड चेंबर। वैसे एक और आता है स्किमिंग, बट वो ऑप्शनल होता है। प्राइमरी में हमारा एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि है सेडिमेंटेशन का, या जो यूनिट आएगा वो होगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। PST स्टैंड्स फॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे जो यूनिट्स आएंगे वो होगा बायोलॉजिकल रिएक्टर एंड SST, दैट मीन्स सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेकेंडरी यूनिट में बेसिकली दो यूनिट ऑपरेशन आएंगे। टर्शरी में हमारा एक आएगा जो कि है डिसइन्फेक्शन। तो यानी अगर हमारे से पूछा जाए कि हम पूरे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम कहेंगे चार टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और इन चारों के अंदर अलग अलग यूनिट ऑपरेशन आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रिलिमिनरी की बात करते हैं। तो प्रिलिमिनरी में हम देख रहे हैं कि रॉ सीवेज सबसे पहले यहाँ स्क्रीनिंग में एंटर करेगी। स्क्रीनिंग ऑपरेशन का नाम है, और जो यूनिट उसके लिए यूज़ की जाएगी या जो हम कह लें इक्विपमेंट हम उसके लिए यूज़ करेंगे, वो इक्विपमेंट है स्क्रीन्स। तो स्क्रीन्स आर यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। और यहाँ पे जो बेसिकली हमारा काम होता है वो होता है, जितने भी हमारे, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग जो बेसिकली रिमूव करता है वो जितने भी हमारे फ्लोटिंग मटीरियल होते हैं, उन फ्लोटिंग मटेरियल को हमारा स्क्रीन जो है वो रिमूव करेगा। फिर इसमें सिंपल बार लगाई जाती हैं, इंक्लाइंड होती हैं। अभी डिटेल में इसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो पूरा अलग से टॉपिक है। तो बेसिकली स्क्रीन याद रखिएगा, स्क्रीन हमारी यूनिट का नाम है, और जो ऑपरेशन उसमें किया जाता है या जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज स्क्रीनिंग। और वो फ्लोटिंग मटीरियल को रिमूव करने के लिए यूज होता है। फ्लोटिंग हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। एक बार ये स्क्रीनिंग हो गई, फिर हम सेकेंड उसमें जाएंगे, ग्रिड चेंबर। जो ग्रिड चेंबर है वो बेसिकली सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक टाइप का सेडिमेंटेशन टैंक ही होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। और इसमें जो रिमूवल होता है जिन बेसिक चीज़ों का, वो रिमूवल होता है हमारे इनऑर्गेनिक मटीरियल का, या इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बेसिकली यहाँ पे जो रिमूवल होता है वो होता है ग्रिट का रिमूवल। ग्रिट मतलब हमारा जितना भी सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ग्रेवल है, पत्थर वगैरह, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं और उन सबको हम शॉर्ट में ग्रिट बोलते हैं। तो जितना भी ग्रिट है वो हमारा ग्रिट चेंबर में सिंपली सेटल डाउन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ग्रिड चेंबर के बाद नेक्स्ट आप इसमें देख रहे होंगे PST लिखा हुआ है। PST मैंने पहले बताया, इट स्टैंड्स फॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, या फिर सेडिमेंटेशन टैंक का दूसरा नाम होता है क्लेरिफायर। हम इनको क्लेरिफायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे PST जो हमारा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहें सेडिमेंटेशन टैंक आप उसको बोलें, या फिर इसका दूसरा नाम जो हम इसका सिनोनिम यूज करते हैं, वो कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको क्लेरिफायर के नाम से भी यूज किया गया है। तो इस क्लेरिफायर का जो बेसिकली काम होता है वो होता है सेडिमेंटेशन। यानी ये टोटली सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और सेडिमेंटेशन हमें पता है कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, लेकिन जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको ये थ्रू सेडिमेंटेशन रिमूव कर देगा। और जो वाटर होगा वो कुछ टाइम के बाद हमारा ऊपर रह जाएगा, और जितने भी सॉलिड्स होंगे वो आप ब्राउन वाला देख रहे होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जितने भी सेटल्ड सॉलिड्स होते हैं जो सस्पेंशन में थे पहले, उन सेटल्ड सॉलिड को हम बोलते हैं स्लज। तो स्लज मतलब जो भी हमारा सॉलिड मटीरियल सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन हुआ, उस सॉलिड मटीरियल को हम बोलेंगे स्लज। तो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया और जो भी लिक्विड हमारा ऊपर बचा था वो लिक्विड हमारा ऊपर रह गया।
तो ये जो पीएसटी था ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंडर आएगा। अब इस पीएसटी से ट्रीटमेंट होने के बाद हमारी जो वेस्ट वाटर है वो आगे जाएगी फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हमारे दो प्रोसेसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस है हमारा बायोलॉजिकल रिएक्टर, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। तो प्रोसेस का नाम है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, और जिस यूनिट में उसको कराया जाएगा उस यूनिट का नाम है बायोलॉजिकल रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस है हमारा सिंपल, जो हम बायोलॉजिकल रिएक्टर में प्रोसेस कराते हैं वो होगा बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा। अब इसमें हमें एयर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप देख रहे होंगे फैन शेप का मैंने बना रखा है, यानी कि यहाँ पे रेगुलर एयर की सप्लाई हमारी होती रहेगी। एयर की सप्लाई इसलिए जरूरी है क्योंकि एरोबिक बैक्टीरियाज एक्टिव होंगे और वो डिकम्पोजिशन कराएंगे, जिसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एरेशन का, यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस या कोई भी ऐसी चीज जो एयर प्रोवाइड करे उसको यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्टर हो गया। बायोलॉजिकल रिएक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। तो बायोलॉजिकल रिएक्टर में अगर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर आपका यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा सस्पेंशन में ही रहेगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा। अब हमें सेटल डाउन भी करवाना है, तो हम इसको आगे ले जाएंगे। यहाँ पे जब डिकम्पोजिशन हो गया उसके बाद हम अपने वेस्ट वाटर को आगे ले गए। वेस्ट वाटर को हमने यहाँ पे सेडिमेंटेशन करवाया। सेडिमेंटेशन में जो पानी था वो ऊपर रह जाएगा, और जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर था जो सॉलिड होता है वो हमारा यहाँ नीचे आकर के जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो नीचे ब्राउन लेयर देख रहे हो आप, ये आपके डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की है, और इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो स्लज डिपॉजिट हुई है इट इज नॉट एक्टिवेटेड, इट इज जस्ट सिंपल स्लज या फिर प्राइमरी स्लज। लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में आपका डिपॉजिट होगा टैंक में, वो आपकी एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगी, क्योंकि उसमें डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि अभी जिंदा है, एक्टिव है, इसीलिए हम इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब यहां से एक बार ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऊपर जितना भी पानी बचा उसको हम फर्दर टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। और टर्शरी ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा आपका लास्ट ट्रीटमेंट है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज हो रही है जो कि है डिसइन्फेक्शन। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट में होता है उसको बोलते हैं डिसइन्फेक्शन, और इसमें क्लोरीनेशन कराया जाता है जस्ट टू किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता, सिंपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बैक्टीरियाज हमारे होते हैं उनको मार देते हैं। तो क्लोरीनेशन लास्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, जिसको टर्शरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और इसको करने के बाद सीधे जो भी हमारा लिक्विड वेस्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिक्विड वेस्ट ही हमने आगे भेजा है, सॉलिड वेस्ट हमारा नीचे टैंक में है। तो लिक्विड वेस्ट हमारा सारा का सारा रिवर में हम डिस्पोज कर देते हैं। तो एक स्टेप हो गया जिसमें हमने जितना भी पानी था, वेस्ट पानी जो था, उसको ट्रीटमेंट के बाद ऊपर से निकाल दिया। अब जो ये टैंक्स थे जहां पे सॉलिड डिपॉजिट हुआ था, इन टैंक को भी खाली करना जरूरी है। तो हम इन सारे के सारे सॉलिड्स को हम नीचे यहाँ पे ले आते हैं, आप देख रहे होंगे यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, और ये सब का सब एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में आ जाएगा, जहां पे आपका इस स्लज का एनारोबिक डाइजेशन होगा। एनारोबिक डाइजेशन के लिए जिन बैक्टीरियाज का यूज करते हैं मैंने बताया था, उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। बेसिकली मिथेनोजेंस होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो यहां पे इस स्लज का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा बाय मिथेनोजेंस, और ये जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो है हमारा बायो गैस। ये बायोगैस कॉम्बिनेशन होता है CO2 CH4 का। अब यहां से तो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल गया, इसको हमने स्टोर कर लिया। जो भी स्लज बचेगी, जो भी हमारी डाइजेस्टेड स्लज होगी जो कि सॉलिड होगी, उसको हम आगे भेज देंगे ड्राई करने के लिए। हम चाहे उसको धूप में सुखा लें, चाहे हम एयर पंप का यूज करें ड्राई करने के लिए, वो हमारे ऊपर है। एक बार ही ड्राई होने के बाद हम उसकी थिकनिंग कर लेंगे, और फिर फाइनली उसको हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं। चाहे तो हम खुद यूज करें, चाहे तो हम कहीं सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट में, वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज करेंगे। बट जो फाइनल एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा यहां से सॉलिड के फॉर्म में, वो मैन्योर निकलेगा। गैस के फॉर्म में CO2 CH4 निकलेगा जो कि बायोगैस है, और यहां से पानी हमने एक जगह पे बाहर निकाला है जो कि रिवर में सीधे जाकर के मिल गया है। तो ये पूरा आपका फ्लो शीट था। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, यहां से कुछ स्लज को हमने रिसाइकल भी किया है। जैसे कि मैंने बताया, इस स्लज में हमारे जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी भी सपोर्ट कर सकते हैं डिकम्पोजिशन में। तो जस्ट टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन हियर, हम यहां से कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का वापस इस टैंक में डाल देते हैं एज अ लोड। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो एड ऑन हो गए, जो पहले से प्रेजेंट थे वो तो हैं, कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, तो ऑब्वियसली प्रोसेस की स्पीड को तेज कर देंगे।
ठीक है, जहां दो लोग खाने वाले थे, अगर चार लोग उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए आ गए तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी खाकर उसको डिकम्पोज कर देंगे. तो जस्ट टू एक्सेलरेट द प्रोसेस हम कुछ स्लज को यहां से रिसाइकल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्टिवेटेड स्लज को, इस प्राइमरी स्लज को नहीं करेंगे. तो ये पूरा हमारा आपका जो प्रोसेस था, फ्लो शीट थी जो, वो ये थी. अब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल में और एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप देखिए जिन जिन यूनिट का हम यूज़ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है. यूनिट्स के नाम दिए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि किस ट्रीटमेंट के अंडर ये चीज़ आएगी. तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फ्लो शीट के थ्रू करें चाहे ऐसे करें, कि जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है उसमें आपकी बेसिकली तीन यूनिट्स आती हैं, स्क्रीन, ग्रिड चेंबर और स्क्रीमिंग टैंक. स्क्रीन फ्लोटिंग मटेरियल निकालती हैं, ग्रिड चेंबर सारा इनऑर्गेनिक ग्रिट, स्किमिंग टैंक ऑयल, ग्रीस और फैट. स्किमिंग टैंक ऑप्शनल होता है, कहीं यूज होता है कहीं नहीं होता, बट आप ऑयल और ग्रीस को निकालने के लिए स्किमिंग टैंक का यूज करेंगे. इसमें सिर्फ और फिर फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस का यूज होता है. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में सिर्फ हमने मशीन्स का यूज किया है, कोई केमिकल नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. फिर प्राइमरी में देखेंगे तो सेडिमेंटेशन टैंक जो है पीएसटी वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा सेप्टिक टैंक और इमॉफ टैंक भी आता है. इसमें भी हमारा सेडिमेंटेशन डाइजेशन एक साथ होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह ट्रीट करेंगे. और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली आपका सेडिमेंटेशन के प्रोसेस पे वर्क करता है, राइट. फिर लास्ट में हमारा आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका बेसिकली बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन पे वर्क करेगा. बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन मतलब हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो छोटे छोटे स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, प्राइमरी ट्रीटमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन. यूनिट्स एम्प्लॉयड आप नाम देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, बस आपको याद करना है. ट्रिकलिंग फिल्टर, एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज, ऑक्सीडेशन डिच, एरेटेड लगून्स, एनरोबिक लगून्स, स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड्स और आरबीसीज. ये आपके सात यूनिट्स हैं जो आपके किस पार्ट में आएंगे ट्रीटमेंट के, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. अगर इनमें से किसी का भी नाम दिया गया है तो यानी कि वो किस ट्रीटमेंट में आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. और ये सब किस प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन पे, राइट. ये सब याद करने वाली चीजें हैं. लास्ट इज टर्शियरी ट्रीटमेंट. टर्शियरी ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन. सिंपल, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारते हैं. और ये केमिकल प्रोसेस है पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें हम किसी मशीन का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं. क्लोरीन इज अ केमिकल जो हमारे हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को किल कर देता है. तो डिसइंफेक्शन इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ WTP एंड कम्स अंडर टर्शरी ट्रीटमेंट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लो शीट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन काइंडली सेंड मी अ मैसेज. Thank you so much.